Hey, what's up? This is Khushbu with another question of coordinate geometry. This is question number 10 from exercise 14.4, page number 14.35 from Adishima. The question is, if A 3, 2 and B minus 2, 1 are two vertices of a triangle ABC. A triangle ABC here. This is A, this is B, this is C. A ke vertices hume given hai, 3 and 2. B के वर्टिसेस हैं माइनस टू एंड वन. हू इज सेंट्रोइड? सेंट्रोइड होता है ट्रायंगल का, जैसे कि मीडियंस है हमारे. सेंट्रोइड मीडियंस का जो मीडियन से ड्रॉ होता है, जहां पर सारे मीडियंस के बीच में मीट करते हैं, दैट इज सेंट्रोइड. लेट्स सपोज इट्स जी. ऑफ द ट्रायंगल जी हैज द कोऑर्डिनेट्स दिस. हम इसे कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5/3 माइनस 1/3. Find the coordinates of the third vertex. हमें third vertex के coordinates निकालने हैं. इसको मान लेते हैं इसे coordinates हैं x3 y3. So let the coordinates of the third vertex be x3 y3. ये third vertex के coordinates. हमारे पास सेंट्रोइड का सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड जी इसी कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3. ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके पास सेंट्रोइड के लिए. सो अगर मुझे सेंट्रोइड को यूज करूं मैं और मेरे पास x1 गिवन है, x2 गिवन है, x3 निकालना है, तो उससे हमारे पास x3 के कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं. लेट्स सपोज दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड जी के कोऑर्डिनेट्स है 5/3 एंड -1/3. x1 प्लस x2 प्लस x3. x1 है 3, x2 है -2. 3 प्लस -2, x3 हमें नहीं गिवन, अपॉन 3, ब्रैकेट, कॉमा, y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 है 2, y2 है 1, प्लस y3 by 3. सो यहां से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे 5/3, -1/3, 3 माइनस 2 इज 1, प्लस x3 by 3, 3 प्लस y3 by 3. अब x का कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा. सो दिस इंप्लाइज 1 प्लस x3 by 3 विल बी इक्वल टू 5/3 एंड 3 प्लस y3 by 3 विल बी इक्वल टू -1/3. यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, सो 1 प्लस x3 इक्वल आ गया आपके पास 5 के. सो x3 इज 5 माइनस 1, ये 1 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, सो x3 आ गया आपके पास 4. तो हमारे पास यहाँ से x3 की वैल्यू आ गई 4. सेम इज y3, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 प्लस y3 इक्वल है 1 के. तो y3 इज यानी -1 के, y3 इज -1 -3 मींस -4. y3 की वैल्यू आ गई -4. सो थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 एंड -4. कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स C 4 एंड -4. तो जहां पर सेंट्रोइड आ जाए वहां पर आप इन क्वेश्चन को, आई मीन इस फॉर्मूला को यूज करके सेंट्रोइड का आप उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो, चाहे वो किसी वर्टेक्स के लिए. लेकिन वर्टेक्स आपकी ऑर्डर में हो, लाइक x1 y1 x2 y2 x3 y3. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 14.4 ऑफ आदि शर्मा, एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.